you know, something very important which Holy Spirit taught me. बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई. You know, all these things I posted on the Facebook page. ये सारी बातें मैंने अपने Facebook के पेज पर डाली है. You must go and read it. अच्छा होगा कि आप वहाँ जाकर उसे पढ़ें. One thing I've understood that the Word of God is for us. एक बात मैंने समझी है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है. That we may know Him. कि हम उसे जानें. We may know His plans and purposes. उसकी इच्छा, उसके मकसद को जानें. We may know His will. उसकी इच्छा को जानें. We may know how to live this life. इस जीवन को कैसे जीना है ये जानें. Amen. Amen. See, in heaven we will know everything. देखिए स्वर्ग में तो सारी बातें हमें पता होगी. But on earth. पर धरती पर. We need direction. हमें दिशा चाहिए. We need guidance. हमें मार्गदर्शन चाहिए. We need to know how to live the heaven's life. हमें जानना है कि कैसे हम स्वर्ग वाला जीवन धरती पर जिएं. Because we are living in the natural world. क्योंकि हम इस नैसर्गिक जगत में जी रहे हैं. Heaven is a spiritual world. स्वर्ग आत्मिक जगत है. Amen. Amen. So we cannot know by natural wisdom. तो हम इस संसार के बुद्धि से स्वर्ग को नहीं समझ सकते. We cannot know it from people. हम लोगों की जानकारी से स्वर्ग नहीं समझ सकते. You cannot know it by seeing. हम देखकर उसे नहीं समझ सकते. By hearing. सुनकर नहीं समझ सकते. How will we know? फिर हम कैसे जानेंगे? We can know it only by the word of God. केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों की जानकारी हम पा सकते हैं. Only by the word of God. केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा. Because heaven is spiritual. क्योंकि स्वर्ग आत्मिक है. God is also spiritual. साथ ही परमेश्वर भी आत्मिक है. When I say God is spiritual means he is a spirit person. जब मैं कहता हूँ कि स्वर्ग आत्मिक है, परमेश्वर आत्मिक है, इसका मतलब है कि परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है. Amen. Amen. Now, are we not spirit people? तो क्या हम आत्मिक लोग नहीं? Yes. हाँ, हम आत्मिक लोग हैं. We are also spirit people. हम भी आत्मिक लोग हैं. Made in the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए. Amen. Amen. They made us. उसने हमें बनाया. No, when I say they, जब मैं कहता हूँ वे, I mean the Trinity. और जब मैं उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने का मतलब है त्रिएक ने हमें बनाया है. Amen. Amen. See, according to our belief, देखिए हमारे विश्वास के अनुसार, which is based on the word, जो कि परमेश्वर के वचन पे आधारित है, we worship Trinity. हम त्रिएकता की आराधना या उपासना करते हैं. Amen. Amen. We worship Trinity. हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं. God our Father. परमेश्वर हमारा पिता. Our Lord Jesus Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह. And Holy Spirit. और पवित्र आत्मा. Amen. Amen. See, it's very different. देखिए बहुत अलग है. From other believing systems. और दुनिया के आस्था के केंद्र से हमारा विश्वास बिल्कुल अलग है. Though they are one. इसके बावजूद कि वो एक है. Yet they are three. फिर भी वो तीन अलग अलग हैं. Three in one. वो तीन मिलकर एक बनते हैं. Amen. Amen. So you can say they. तो आप उन्हें कह सकते हैं. No problem. चलेगा. Though they are one, yet three. वो तीन होने के बावजूद एक हैं. Amen. Amen. Even when Jesus was on this earth. यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु धरती पर थे. He prayed to our Father. तो उसने हमारे पिता से प्रार्थना की. He said, "Not my will." उसने कहा मेरी इच्छा नहीं. उनका इच्छा अलग था. But your will. उनका इच्छा अलग है. और उसने कहा तेरी इच्छा अर्थात यीशु और पिता की इच्छा अलग अलग थी. But सबका इच्छा एक ही है. But yet different. वो तीनों एक ही इच्छा रखते हैं पर काम अलग अलग है. Amen. Amen. They all three one. वो तीनों मिलकर एक बनते हैं. So that's why I say they. इसलिए मैं कहता हूँ वे या उन्होंने बनाया. So there's no problem. You can use the word they. यदि आप कहेंगे उन्होंने बनाया तो भी चलेगा. Only thing is you must understand the right meaning. केवल इतना ही हो कि इसकी सही समझ आपको हो. अगर किसको समझ नहीं रहेगा बोलेगा दे बोलता रहे प्रभु तो उधर एक ही है दे क्यों बोलता कितना बहुत परमेश्वर है क्या. So we need to have the right meaning or knowledge. तो बहुत जरूरी कि इन बातों की सही समझ या ज्ञान हमें हो. Amen. Amen. So spiritual things can be understood, known, learned only from the word of God. तो आत्मिक बातें समझी जा सकती है, सीखी जा सकती है या जानकारी पाई जा सकती है केवल वचन के द्वारा. You cannot please God unless you have spiritual knowledge. जब तक कि आपके पास वचन की जानकारी ना हो तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है. If you don't know the word, यदि आप वचन नहीं जानते, and you have tried to please God, और आप प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे. So the people of the world, तो जो दुनिया के लोग हैं, though they do their best, इसके बावजूद कि वो उत्तम कोशिश करते हैं, but God is not pleased. फिर भी प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं है. He may love them. हो सकता है प्रभु उनसे प्रीति करे. But he is not pleased. पर वो उनके जीवन से प्रसन्न नहीं है. Because what pleases him is our faith. तो जो बात दरअसल परमेश्वर को प्रसन्न करती है वो हमारा विश्वास है. You know, when God looks at you, आप जानते हैं जब प्रभु आपको देखता है, does he look at your face? तो क्या वो आपके चेहरे को देखता है? Hello.
तुम्हारा ब्यूटी को देखता है आपकी सुंदरता देखता है तुम्हारा शरीर को देखता है तुम्हारा बैंक बैलेंस देखता है तुम्हारा क्या देखता है He sees your heart. तो प्रभु आपके हृदय को देखता है Amen. Amen. And what does he see in your heart? और हृदय में भी वो क्या देखता है In your heart, he sees spirit faith. और आपके इसी हृदय में वो आत्मिक विश्वास को देखता Amen. है Amen. Because spiritual faith means it shows that you trust him. अब आत्मिक विश्वास का मतलब है कि आपका 100% प्रभु पे भरोसा है Amen. Amen. And trusting comes when you have knowledge of God's word. और भरोसा तब आता है जब वचन की जानकारी होती है Amen. Amen. That's the way you please God. और इस रीति से आप प्रभु को प्रसन्न करते In हैं anything and everything, you trust him. और कुछ भी या सब कुछ में आपका भरोसा उसी पर होता है you trust him. आप उस पर भरोसा करते हैं That is what pleases God. और यही बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है okay. You know, I was teaching about on Friday. मैं शुक्रवार को सिखा रहा था. About eternal planning. और सनातन की योजना के बारे में. How to excel in the calling that God has given all of us. और हम सभी को जो परमेश्वर ने बुलाहट दी है, उस बुलाहट में माहिर या निपुण कैसे बनना है. You know, even if you don't know your calling. मान लीजिए कि यदि आपको अपनी बुलाहट नहीं भी पता. Your basic calling is at least to love one another. अब आपकी बुनियादी बुलाहट तो यह है कि आप एक दूसरे से प्रीति करें लव गॉड एंड लव वन अनदर परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो एट लीस्ट दैट्स द बेसिक यू मस्ट कम से कम ये बुनियादी जानकारी आपको होनी चाहिए लव गॉड कि परमेश्वर से प्रीति कीजिए एंड लव वन अनदर और एक दूसरे से प्रीति कीजिए दैट्स द बेसिक कॉल और ये परमेश्वर की बुनियादी बुलाहट है व्हाई डू आई से बेसिक कॉल मैं क्यों कहता हूं बुनियादी है बिकॉज दैट्स व्हाट द लॉर्ड जीसस सेड क्योंकि यही तो प्रभु यीशु ने कहा हाउ विल पीपल नो कैसे लोग जानेंगे दैट यू बिलोंग टू मी कि तुम मेरे चेले हो यू आर माय चाइल्ड कि तुम मेरे बच्चे हो यू आर फॉलोइंग मी कि तुम मेरे पीछे चलते हो, कि तुम मेरे शिष्य हो When you have love for one another. कि जहां तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए प्रीति होगी Amen. Amen. When you love God, जहां प्रभु से प्रीति and करते love people, और लोगों से प्रीति करते हैं that's following your basic call. तो ये परमेश्वर की बुनियादी बुलाहट का पालन करते and as you're doing that, और जैसे आप ये करते चले जाते you will know Is calling तब आप जानेंगे कि आपके जीवन के लिए प्रभु की क्या इच्छा या क्या बुलाहट है Many people are not following the basic call. अब कुछ तो ऐसे जो ये बुनियादी बुलाहट पर भी And नहीं they expect, God, let me know what is your will. और तब वो उम्मीद रखते कि प्रभु मुझे बताइए कि आपकी बुलाहट मेरे लिए क्या है तुम बेसिक ही फॉलो नहीं कर रहा है उसका Why will God show you is calling for your life? तब क्यों परमेश्वर बड़ी बुलाहट का बुलावा आपको देगा जब जो सादी बुलाहट है आप उसका ही पालन नहीं कर रहे तुम बेसिक ही नहीं पालन कर रहे यू नो The highest calling is God's calling for us. आप जानते सबसे ऊंची बुलाहट परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन के लिए Amen. Amen. There is no higher calling than that. और परमेश्वर के बुलावे से बढ़कर दूसरा कोई बुलावा नहीं है तुम आज प्रभु का बच्चा हो गया That's a call of God on your life. तो ये परमेश्वर का बुलावा है आपके जीवन पे Amen. Amen. And the first step happens is God sheds his love in your heart. और पहला काम प्रभु ये करता है कि अपनी प्रीति आपके हृदय में उंडेलता है Amen. Amen. You have God's love in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर की प्रीति है. And when you use that love, और जब आप उस प्रीति का इस्तेमाल करते हैं, by loving God, परमेश्वर से प्रीति करके, and loving others, और दूसरों से प्रीति करके, as you keep doing this, और जैसे लगातार ये करते चले जाते हैं, then God will show you your call for your life. अतः परमेश्वर आपके जीवन पर के बुलावट का बुलावा आपको देगा. Before I received a call, इससे पहले कि मेरे जीवन में वो बुलावा आया, I was doing the basics. मैं अपने बुनियादी कामकाज कर रहा था. I loved God. मैंने परमेश्वर से प्रीति की. I used to pray much. मैं ज़्यादा प्रार्थना करता था. Read the Bible. बाइबल पढ़ा करता था. And I used to testify to people. साथ ही साथ लोगों को यीशु की गवाही दिया करता था. See, when you love people, you'll tell them about Jesus. जहाँ आप लोगों से प्यार करेंगे, ज़रूर उन्हें यीशु के बारे में बताएंगे. Isn't it? ठीक है ना? Hello. तुम नहीं चाहते उनका नाश हो. इसके लिए तुम बोलेगा. Then after we become a child of God, we are constrained, we are moved, we go forward by the love. और जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हम विवश हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, वो प्रीति हमें उतावला बनाती है कि हम जाएं और दूसरों को बताएं यीशु के बारे में। हमारा इच्छा ये natural fellowship के लिए नहीं है। संसार में जिस तरह से लोग मेल मिलाप करते हैं वैसा हमारा मेल मिलाप नहीं है भले you are offended, but I'll still tell you about Jesus. चाहे आपको बुरा लगे फिर भी मैं आपको यीशु के बारे में बताऊंगा Many people don't do that. कई लोग ऐसा नहीं करते Even in their own family, अपने परिवार में भी they have not told about Jesus. अभी तक उन्होंने यीशु के बारे में नहीं बताया है रिलेशन खराब होएगा वो होएगा ये होएगा होएगा वो सोचते हैं कि संबंध बिगड़ जाएगा फायदा नहीं मिलेगा ऐसा बहुत सारा रीजंस रहता है वो बात नहीं करेंगे उन लोग
तो इन लोग हम लोग कह रहे थे आलू से दे रहे से उसको नरक में भेज रहे एंड हम बहुत लव करता है तुमको. दिस अर्थली लव is all selfish love. जो धरती की प्रीति है वो स्वार्थ से भरी है. There's a reason. इसके पीछे हमेशा कारण होता है. But when you share about Jesus, पर जहाँ आप यीशु के बारे में बताते हैं, your love is God kind of love. अब तो आपकी प्रीति परमेश्वर की दिव्य प्रीति होती है. Unconditional love. वो बगैर शर्त की होती है. जो तुम्हारा नुकसान भी होगा, you will still share the word. फिर भी आप जरूर यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे. See, today I received a mail. आज मुझे एक मेल आया. From my cousin sister. और मेरी चचेरी बहन ने मुझे लिखा. Cousin sister. चचेरी बहन फार ऑफ दूर की चचेरी मानेली बहन. एक्चुअली व्हेन आई वाज इन द वर्ल्ड दरअसल जब मैं दुनिया में था शी लव्ड मी वो मुझे बहुत पसंद करती थी. मींस शी वुड गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प मी. इसका मतलब ये था कि वो कुछ भी कर सकती थी मेरी मदद करने के लिए. शी वुड ऑलवेज हेल्प मी. वो हमेशा मेरी मदद किया करती थी. बिकॉज आई वाज पुअर क्योंकि मैं गरीब था. I was really depressed. मैं बहुत ही निराशा में था. She was the one who supported me. तो वही एक थी जिसने हमेशा मेरी मदद की. After I was saved, मेरा उद्धार हो जाने के बाद, I got married, आगे चल के मेरी शादी हो गई, and I became born again, मेरा नया जन्म हुआ. The moment our relatives came to know I'm born again, they all separated themselves. और जिस क्षण मेरे रिश्तेदारों को पता लगा कि मेरा नया जन्म हो चुका है तो उन्होंने मेरे से नाता तोड़ दिया. But I keep on telling them. पर लगातार मैं जब भी मिलता उन्हें बताता. I know they don't like me. मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करते. Why? क्यों? Because I tell about Jesus. क्योंकि मैं खुलेआम यीशु के बारे में बोलता हूँ. I know that. मैं जानता हूँ ये उन्हें अच्छा नहीं लगता. Even my family knows. यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी पता है. When they sit together for gupshup. कि जब वो गप्पे मारने के लिए एक साथ बैठते हैं. I tell them about Jesus. तो मैं उन्हें यीशु के बारे में बताता हूँ. Suddenly you must see their face. तो अचानक आप उनके चेहरे से पता लगा सकते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता. पसंद नहीं. तो देर से उठ के चले जाएंगे. They'll show reluctance. तो वो हिचकिचाहट दिखाते हैं. But I don't care. पर चलता है. We are here to please heaven. यहाँ हम स्वर्ग को खुश करने के लिए हैं. Not the earth. हम धरती या इंसानों को खुश करने के लिए नहीं हैं. Amen. Heaven should be pleased. जरूरी कि स्वर्ग खुश हो. God should be pleased. कि परमेश्वर खुश हो. We are not here to please people. हम यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं हैं. I know many want to be in good books. मैं जानता हूँ कई लोग दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं. But I don't care. पर मैं ये बातों पे ध्यान नहीं देता. Like me or don't like me. आप मुझे पसंद करें ना करें. But one day in heaven you'll really like me. पर एक दिन जब आप स्वर्ग में मिलेंगे तो जरूर मुझे पसंद करेंगे. Amen. Amen. You'll say this is the one who told me about so, Jesus. वो कहेंगे कि यही मेरा असली दोस्त है जिसने यीशु के बारे में मुझे बताया. I wrote about Billy Graham. Did you read it? तो मैंने Billy Graham पर एक संदेश Facebook पे डाला है. आपने पढ़ा? Yeah, read it. तो अच्छा है, पढ़िएगा जरूर. Amen. You know, this year 2018. अब जानते हैं जो साल है 2018. It's a vital year. ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है. Timeline. परमेश्वर की समय तालिका में ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है. Something new has begun. और कुछ नए की शुरुआत हो चुकी है. See, God has a timeline in heaven. अब जानते हैं कि परमेश्वर के पास स्वर्ग में एक समय तालिका है. It doesn't go by human calendar. प्रभु इंसान के calendar. या धरती के समय के अनुसार नहीं चलता. Apart from this timeline. और धरती के समय तालिका से हटकर. There are no clocks or calendars or watches in heaven. स्वर्ग में किसी तरह की घड़ियाल, घड़ी या किसी तरह का समय नहीं है. नहीं. This timeline is for this earth. और जो ये घड़ी है समय है वो सिर्फ धरती And it के लिए. Goes according to him. और ये भी समय उसके अनुसार चलता है. Amen. Amen. God measures all this by events, और परमेश्वर इन सभी happenings. ये सभी बातों की नाप जो है घटनाओं के आधारित या आधार पे करता है. Amen. Amen. See, he has made the time. He has created time. देखिए परमेश्वर है जिसने समय का निर्माण किया है. Who created time? किसने समय बनाया? God created time. परमेश्वर ने समय बनाया है. Amen. Amen. But there's no time in heaven. पर स्वर्ग में किसी तरह का समय नहीं है. That's why it's called eternity. और यही कारण है उस जगह को सनातन कहा जाता है. So when Billy Graham went home, इसे जब Billy Graham घर गए, that was a beginning of something new. तो वो कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत थी. It's not the ending. ये अंत नहीं है. It's the beginning. ये शुरुआत है. A new beginning. एक नई शुरुआत है. You know when these two great heroes of faith. आप जानते हैं विश्वास के जो ये अति महानायक और कॉल्ड जनरल्स या जिन्हें सेनापति कहा जाता है आर्मी ऑफ गॉड परमेश्वर की सेना के सेनापति दे लेफ्ट होम जब वो घर निकले टू हेवन स्वर्ग के लिए निकले देयर वाज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन अ चेंज तो आप जानते हैं बहुत बड़ा रूपांतर धरती के लिए बहुत बड़ा बदलाव आया. आई टोल्ड यू 2018 मैंने कह दिया है कि 2018 Many those who have finished their course God will call them home. कि कई लोग जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है प्रभु ऊपर उन्हें बुला लेगा. They have finished their work. उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया है. And
That's not the ending, but that's the beginning. और जब उनका कार्य समाप्त हुआ तो यह अंत नहीं पर धरती के लिए शुरुआत है. You are in that new age. तो आप उस नए युग में हैं. Amen. Amen. You're not come by chance. आप अचानक हादसे से नहीं आए. God chose you in this generation. इस पीढ़ी के लिए प्रभु ने आपका चुनाव किया है. Amen. Amen. It is God who decided. ये प्रभु है जिसने निर्णय लिया. In whose family you should be born. कि किस परिवार में आपका जन्म होना चाहिए. What is the time? और किस समय में आपका जन्म होना चाहिए? आपका जन्म किस समय में होना चाहिए? It is God who decides. ये परमेश्वर है जिसने ठाना था. Amen. Amen. Though many may not understand how हम लोग का मर्जी से करता है, but in His wisdom, He knows all this. अब दरअसल कई लोगों को ये बातें समझ में ना आए, पर ये परमेश्वर की बुद्धि और वो अपने अलौकिक बुद्धि के द्वारा ये सारा काम करता है. He sees the ending before the beginning. वो शुरुआत में ही अंत देख लेता है. Amen. Amen. He knows everything. वो सारी बातें जानता है. He doesn't need time. उसे समय की जरूरत नहीं. To see when it will happen. कि कब ये उस समय में होगा. Amen. Amen. He doesn't have a past and a future. He is always present. ना तो उसका भूतकाल है ना भविष्य. वो हमेशा वर्तमान में रहता है. See, you can never understand God because we live in time. हम कभी परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम समय की मर्यादा में रहते हैं. हम लोग जो भी देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, वो सब टाइम के मुताबिक. बट प्रभु टाइम में नहीं है. इसके लिए वो हमारे जैसा बात भी नहीं कर सकता. बट सिंस वी विल नॉट अंडरस्टैंड, ही टॉक्स इन टाइम लैंग्वेज. अब क्योंकि ये बातें हमारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए परमेश्वर हमारे समय के अनुसार बोलता है ताकि हम समझ सके. इवन एंजल्स, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी, दे हैव टू टॉक टाइम लैंग्वेज. उन्हें समय के अनुसार बोली बोलनी पड़ती है. Otherwise, they cannot talk time language. नहीं तो वो समय तालिका के अनुसार नहीं बोलते. If you ask them, when were you born? यदि हम when is your birthday? किसी स्वर्गदूत से यदि हम पूछे कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, कब तुम पैदा हुए थे? ओ भाई ना, देखो ऐसा जन्मदिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, क्योंकि उस दिन दिसंबर था क्या, जनवरी, वैसा सब नहीं था स्वर्ग में. हमको बनाया. इवन नो डेट, नो तारीख नहीं है, दिन नो मंथ, नो ईयर नहीं है, साल नहीं है. सो हाउ विल दे आंसर यू? टेल फिर वो आपको जवाब कैसे देंगे बोलिए. वी टॉक टाइम लैंग्वेज. तो देखिए हम समय की बोली बोलते हैं. They don't talk time language. पर वो समय की बोली नहीं बोलते. Amen. Amen. So they have been trained. तो उन्हें सिखाया गया है. When God sent them on this earth, जब परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर भेजा, they learned time language. तो उन्होंने समय की बोली सीखी. Looking at us, हमारी ओर देखते हुए. Amen. Because Amen. They were not created in time. क्योंकि वो समय की मर्यादा में नहीं बने. They were created before time. वो समय से पहले निर्माण किए गए. Amen. Amen. Before the world was made, इससे पहले की पृथ्वी बनी, God created them. परमेश्वर ने उन्हें पहले बनाया. Innumerable. असंख्य उनकी गणना. Amen. Amen. So when Billy Graham left, तो जब बिली ग्राम स्वर्ग के लिए निकले, now something new is going to happen in the body of Christ. तो मसीह के शरीर में कुछ नया होने वाला है. And you are born for that purpose. और उसी मकसद के लिए तो आप इस दौर में पैदा हुए हैं. Once you know this, एक बार आप ये बात जान लेते हैं, by faith you must enter into this new. तो विश्वास से आपको इस नई घटनाओं में प्रवेश करना है. Amen. See, Amen. God will never forcefully do anything in your life. देखिए प्रभु कभी भी कोई काम आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं करेगा. Unless you permit him. जब तक कि आप उसे अनुमति ना दें. Amen. Amen. You must permit him. जरूरी कि आप उसे होकार दें. Yes, Lord. हाँ प्रभु. I want you to manifest yourself through me. मैं चाहता हूँ प्रभु कि मेरे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा प्रकट हो. Automatically अपने आप नहीं करेगा. तुम्हारी इच्छा होना चाहिए. वो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक प्रभु काम करता है. तुम्हारी इच्छा नहीं, प्रभु नहीं करेगा. Amen. Amen. Many don't have a desire. अब कई लोगों की इच्छा ही नहीं है. Because we have not fought the negative desire. To have the positive desire and keep it running. क्योंकि हमने कभी भी नकारती इच्छाएं जो मन में पैदा होती है उनका विरोध ही नहीं किया कि उन्हें निकाले और होकारती जीवाओं, मैं प्रभु का सेवा करूंगा, और होकारती जीव इच्छाओं को जगा दे कि प्रभु हाँ तेरी इच्छा पूरी हो. That is showing the right desire. ये सही इच्छाओं को दर्शाता है. I will pray. कि मैं प्रार्थना करूंगा. मैं वचन पढूंगा. I will go to church. मैं कलीसिया जाऊंगा. I will serve God. मैं प्रभु की सेवा करूंगा. I will worship God. मैं उसकी आराधना करूंगा. I will testify. मैं गवाही दूंगा. See, these are the desires. तो ये होकारती इच्छाएं जिनको जगा दे. The negative desire, you push it off. और नकारती इच्छाओं को बाहर ढकेलिए. So you're keeping the positive desires. ताकि आप होकारती इच्छाओं को जगा दे जीवन में जिंदा रखें. Then God will use you. तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा. On that basis, I'm going to teach you very important lesson. और इसी आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण धड़ा मैं आपको सिखाऊंगा. The Holy Spirit has given. I have just picked out one of the messages from the Facebook.
और मैंने फेसबुक से एक संदेश उठाया है जो मैं आपको दूंगा. Yeah. So when I spoke to my cousin, तो जब मैंने अपनी चचेरी बहन से बात की, you know, I didn't say, अरे वो इतना मेरे से नव करता है, इतना मेरा सेवा किया, इतना मेरे लिए झगड़ा किया दूसरे के साथ, नहीं मैं क्यों जीसस के बारे में बोलूं और रिश्ता खराब करूं. नो, वो सब मायने नहीं कर रखता है. See, our love is based on sharing Jesus. देखिए हमारी प्रीति इसी बात पे असली नजर आती है जब हम यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं. Amen. Amen. That shows we really love. ये बात साबित करती है कि दरअसल असलियत में हम उससे प्रेम करते हैं. Some people think ना, नहीं जीसस के बारे में नहीं बोलने का, फिर भी मैं बहुत लव करता है, और लव करते करते अच्छा टाटा बाय बाय नरक जाते, क्या लव करता है तुम. हेलो, रियल लव मीन्स you don't want them to perish. Asli priti matlab aap nahi chahte narg mein unka naash ho. Look at the word. Vachan ko dekhiye. God so loved the world. Ki parmeshwar ne jagat se itna prem kiya. That he gave his life. Ki usne apna jaan de di. That he may have eternal life. Taki aapko sanatan ka jeevan mile. Taki aapka naash na ho. Look at that love. Dekhiye is priti ko. Love means you don't want them to perish. Aap priti ka matlab hai aap nahi chahte ki samne wale ka naash ho. Amen. Amen. But many have not learned this love. Par kai logon ne is priti ko nahi sikha hai. Love matlab क्या है, जीसस का बोला तो झगड़ा होएगा घर में, मेरा फायदा जाएगा, वो मेरे को ये करेगा, क्यों बोलने का, अपन ऐसा ही लव करेंगे. That is all selfish love. ये तो सभी खुदगर्जी वाली प्रीति है. Apart from agape love, God kind of love, every love is conditional. याद रखिए कि अगापे या परमेश्वर की प्रीति को छोड़ सारी दूसरी प्रीति शर्तों पे टिकी है. It is selfish. स्वार्थी प्रीति है. इसमें फायदा क्या मिलेगा हमारा, नुकसान क्या होगा, वो सब कैलकुलेशन करके लव करते हैं. हम हमेशा हिसाब जोड़ते हैं. अब कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने अपनों को नर्क भेज दिया है. Because they didn't share about Jesus. क्योंकि उन्होंने अपनों को यीशु के बारे में नहीं बताया. But they showed too much love. उन्होंने बहुत जगिक प्रीति दिखाई. So when I wrote to her, I knew that she may not like it. मैंने उसे जवाब तो लिखा, मैं ये भी जानता था कि ये बात उसे अच्छी नहीं लगेगी. But I wrote to her. पर मैंने लिख के भेजा. You must become born again. कि तेरा नया जन्म होना बहुत जरूरी है. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है. Because I want to tell you the truth. क्योंकि मैं आपसे सच्चाई बोलना चाहता हूँ. Because I love you sincerely. क्योंकि मैं बहुत दिल से तुम्हें चाहता हूँ. That's why I'm telling you the truth. इसलिए मैं सच्चाई खुलेआम तुम्हें बता रहा हूँ. So I told her you must be born again. इसलिए मैंने लिखकर भेज दिया कि तुम्हारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है. See what she writes. देखिए वो उत्तर में क्या लिखती है. Hi Stephen. Okay. She calls me Stephen. Means अब, that's my name, my pet name. अब दरअसल मेरे घर में लाड से मुझे Stephen बुलाते थे, तो वो उसने लिखा कि Stephen. She says one thing I want to ask you. मैं एक बात तुमसे पूछना चाहूंगी. Will you be able to leave born again and come back to your religion? कि क्या तुम अपने नया जन्म वाले इस धर्म को छोड़ के पुनः अपने पुराने धर्म से जुड़ सकोगे? I know the answer will be a big no. मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जवाब बड़ा ना होगा. So don't force me into born again. इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं नया जन्म पाना नहीं चाहती. It is not that only if we come into born again, only then we can keep good relationship. ऐसा नहीं है कि यदि मेरा नया जन्म होगा तभी मेरे और तुम्हारे संबंध अच्छे होंगे. Good relationship can be kept otherwise also. और बगैर ये सारी प्रभु की बातें किए भी हम अच्छी दोस्ती, अच्छा नाता अच्छा रख सकते ना, क्यों तो जीसस बीच में लाता है. Then she is talking about my brother Peter. और उसके बाद वो मेरे भाई पीटर के बारे में. Because my brother Peter doesn't tell much about to my family. मेरे जो भाई पीटर है वो अधिकतर रिश्तेदारों से ज़्यादा बातें नहीं करते. See Peter. तो उसने कहा देखो पीटर को. He met us three times. वो तीन बार हमें मिला. As many times as you met us. और जितनी बार तुम मिले उतने बार वो भी मिला. But not even once did he remove the topic about believers. पर एक बार भी उसने विश्वासों वाला विषय निकाला नहीं. All the time we spoke about the family. और सारा समय हम परिवार के बारे में बोल रहे थे. And topic in general. और आम विषयों पे बातें कर रहे थे. And we really appreciate that. और सही बात में, सही मायने में मैं इस बात को सराहती हूँ. मुझे ये बात पीटर पास्टर की अच्छी लगती है. तुम प्रभु का बोला तुम बुरा हो गया. See this. जो प्रभु का नहीं बोला तुम बहुत अच्छा है. Look at this. So don't bring this topic again between us about being born again. इसे नया जन्म या यीशु को अपनाने के विषय के बीच तुम्हारे और मेरे बीच दोबारा चर्चा नहीं होनी चाहिए. All us of us have met after many years. हम सभी लोग बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं. So let it remain that way. इसलिए इसी रीति से इसी रिश्ते को बनाए रखें. No ill feeling. और मन में कड़वाहट ना रखें. Let us practice our own religion. कि अपने अपने धर्म में बने रहें. And be happy. और खुश रहें. Okay, bye. और तब उसने बाय कह दिया.
I also wrote an answer to her. और मैंने फिर वापस जवाब लिखा. I told her that that's fine, no problem. मैंने कहा ठीक है चलेगा यदि आप. But first and foremost, Christianity is not a religion. पहली बात तो मैंने लिखा कि हम मसीह के पीछे चलते ये कोई धर्म नहीं है. It's a relationship. ये एक रिश्ता एक नाता है. Religion is external. धर्म बाहरी दिखावा है. And relationship is internal. और रिश्ता भीतरी होता है. Religion is doing. धर्म काम है. Relationship is living based on life. और जो नाते या संबंध होते वो जीवन के आधार पे बनते हैं. I just wrote to you not to force you to believe. मैंने लिख दिया है कि मैं जबरदस्ती नहीं करता कि तुम यीशु को अपनाओ. But giving an opportunity to believe. पर मैं जरूर एक संधि देना चाहूंगा कि आपको मौका मिले आप अपना सके. Even God does not want a forced relationship. मैंने कहा कि यहाँ तक कि प्रभु भी जबरदस्ती वाले नाते नहीं जोड़ता. I have done my duty towards God. अब मेरा कर्तव्य प्रभु की ओर से मैंने निभाया है. Because He said in the Bible to confess Jesus before men. क्योंकि उसने कह दिया है कि लोगों के आगे मेरी कबूली करो. If you don't like it, no problem. यदि आपको ये अच्छा ना लगा तो कोई बात नहीं. We can still maintain a good family relationship. फिर भी हम एक पारिवारिक अच्छे पारिवारिक संबंध बना के रख सकते हैं. Amen. Amen. You know, all our relatives, they don't like me at all. अब मेरे सभी रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं करते. क्या करूं अभी मैं? बोलो. नहीं बोलने का क्या बोलने का? बोलो. नहीं बोलेगा अच्छा रिश्ता रखेगा मैं. बोला तो ये बुरा हो गया. That's what Jesus said. यही तो यीशु ने कहा. Your own family झगड़ा होएगा. उसने कहा Jesus का टॉपिक निकालो. देखा तुम्हारे अपने लोगों से तुम्हें पहले ठोकर लगेगी. How the devil fights. तो देखिए शैतान कैसा लड़ता है. You don't share Jesus. ताकि आप यीशु के बारे में ना बोले. But who cares? पर कौन ध्यान देता है? Our standing is not before people. हमारा ठहरना लोगों के आगे नहीं है. Our standing is before God. हमारा ठहरना प्रभु के आगे है. And that's what Elijah said. यही तो एलिया ने कहा. I stand before God. मेरा ठहरना प्रभु के आगे है. So all these decisions you must make it. ये सारे निर्णय आपको खुद लेने हैं. This is standing for your faith. ये आपके विश्वास के लिए ठहरना है, विश्वास का पक्ष लेना है, ये जानकर कि यही सच्चाई है. Amen. Amen. See, faith has to be tested. देखिए विश्वास का परखा जाना जरूरी है. Amen. Amen. विश्वास का टेस्ट करने पड़ता है ना? कि विश्वास परखा जाएगा. हाँ? तो विश्वास है, विश्वास है. जब टेस्टिंग टाइम आता मालूम पड़ता विश्वास ही नहीं था. लुक एट दिस. कि जब परीक्षा की घड़ी आती तो आपका विश्वास खोटा विश्वास निकलता है. Faith has to be tested. जरूरी कि विश्वास परखा जाए. So this is a test. तो ये परीक्षा है. I trust in God. कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है. Amen. Amen. Okay. Now, you know, I also shared with you about 2 Timothy 4:8. मैंने आपको 2 Timothy 4:8 के विषय में बताया था. That how Paul says. कैसे पौलुस कहते हैं. A crown is stored for me in heaven. कि आप मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट स्वर्ग में रखा है. And not only to me. सिर्फ मेरे लिए नहीं. But also to all. पर उन सभी लोगों के लिए. Who long for his appearing. जो उसके प्रकट होने की दिल से राह देखते हैं. So a crown, a reward is stored for all of you. तो प्रतिफल या मुकुट आप सभी के लिए रखा गया है. Amen. Reserved for you. आप सभी के लिए पहले से ही रखा गया है. Look at God's heart. देखिए परमेश्वर के हृदय को. Before he even could, you could. Do something for the reward. God has kept the reward. इससे पहले कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि आपको प्रतिफल या इनाम, उससे पहले आपके लिए इनाम रखा गया है. What does it show? ये बात क्या दिखाती है? He wants all of you to get the crown. कि वो चाहता आप सभी को ये मुकुट मिले. That you can reign and rule with him. ताकि उसके साथ आप राज और प्रभुता कर सकें. If you don't, you will be serving the ones who are going to rule and reign. और यदि आप नहीं काम करते हैं तो जिन लोगों ने प्रभु के लिए काम किया है उनकी आप प्रभुता उनकी आप सेवा करेंगे. That's the way it is. और ऐसा ही वहां पर काम होता है. Amen. Amen. Either you rule and reign with Christ. या तो मसीह के साथ आप खुद राज और प्रभुता करें. Or you serve the ones who rule and reign with Christ. या फिर वो लोग जिन्होंने काम किया है और आज राज और प्रभुता कर रहे हैं उनकी आप सेवा करें. So the crown is for you. तो मुकुट आपके Now, पहले here, से look रखा at this, what it says. देखिए आगे वो But क्या also कहता to है? All those who have longed for his appearing. और उन सभी के लिए मुकुट रखा गया है जो उसकी लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है. Some people have misunderstood. अब कुछ लोग इसको गलत समझे. Long for प्रभु आ जाना प्रभु कभी आएगा प्रभु ऐसा बोलने से नहीं होता है. That doesn't mean that. ये उसका दरअसल मतलब नहीं है. You know, some people are sharing about rapture. अब कुछ लोग स्वर्गारोहण के विषय में बता रहे हैं. It is good. अच्छा है बताना. It is right. ये सही भी है. It's the message from the world. ये वचन से संदेश है. But the timing is wrong. पर ये वो समय नहीं है. Amen. Amen. Because you know,
It's very important what you know about the rapture. आप बहुत जरूरी है कि स्वर्ग रोहन को लेकर आप क्या जानकारी रखते हैं? How do you see the rapture? आप स्वर्ग रोहन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? Are you seeing as an escape route? क्या आप बचाव का मार्ग ढूंढ रहे हैं कि कैसे बच के भाग जाएं? बहुत तकलीफ होता है, बहुत अड़चन है, पैसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं, काम में नहीं, शादी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, प्रभु कभी आएगा? तो क्या That's a different way. तो आप बच के निकलना चाहते हैं, ये अलग सोच है. See, there's a different ways people interpret the word. तो देखिए अलग अलग सोच के रहते हैं लोग परमेश्वर के वचन का अनुवाद करते हैं. तुम क्यों चाहते हो प्रभु आए? हेलो, दैट्स द क्वेश्चन. अब सवाल ये उठता है कि आप क्यों चाहते हैं प्रभु आए? क्यों चाहते हो? Why? क्यों चाहते हैं कि प्रभु आए? तुम्हारा काम खत्म हो गया? नहीं पास्टर, अभी तक तो फेथफुलनेस और कमिटमेंट भी नहीं है, तो फिर क्यों बुलाता है प्रभु को? अभी तक आप समर्पित नहीं है, विश्वास योग्य नहीं बने, तो क्यों चाहते हैं प्रभु आए? बेटा जल्दी आ गया तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर तो आप प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु के लिए, संधि निकल जाएगी. आमेन, आमेन. सी, व्हाई आर यू कॉलिंग? आप क्यों चाहते हैं प्रभु आए? मैनी पीपल नॉट understanding this. अब कई लोगों को तो इसकी समझ ही नहीं है. One person even shared with me, प्रार्थना करो प्रभु जल्दी है, प्रभु जल्दी. क्यों प्रार्थना करने का? उसका टाइम पे आएगा ना वो. But have you finished your work? पर क्या तुमने अपने कार्य को समाप्त कर लिया? Because your rewards based on your work will end the moment you leave. क्योंकि जो भी आपके काम पर काम के अनुसार आपके प्रतिफल थे वो वहीं पर रुक जाएंगे. एक बार आप चले गए तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा काम करके प्रतिफल पाने का. Amen. You can say, in heaven ना बहुत सेवा करेगा और अच्छा प्रतिफल मिलेगा. नहीं, heaven is not to work to get a reward. स्वर्ग ऐसी जगह नहीं जहाँ काम करके प्रतिफल पाया जाए. Heaven is a place where you get the reward based on the work you did on the earth. पर स्वर्ग ऐसी जगह है कि जो काम पहले से आपने धरती पर कर दिया है उन कामों के लिए आपको वहाँ प्रतिफल मिले. And to live with that reward. और उसी प्रतिफल के साथ आप हमेशा हमेशा रहें. Amen. Amen. See, many are confusing. देखिए कई लोग गड़बड़ाए हुए हैं. नहीं, इधर बहुत तकलीफ है, इसके लिए प्रभु जल्दी आके लेके जाओ ताकि उधर रह के मैं अच्छा काम करूंगा. ऐसा नहीं है, उधर कुछ काम ऐसा है ही नहीं. शैतान भी नहीं है, पाप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर. For what he will give you reward? तब किसके लिए प्रभु आपको वहां जाकर प्रतिफल देगा? हेलो, फॉर व्हाट? किसके लिए, क्यों दे? उधर कुछ काम ऐसा है ही नहीं ना. यू आर नॉट इन द फ्लैश. आप वहां शरीर में नहीं होंगे. That you have to fight it out. कि आपको लड़ना पड़े, मुकाबला करना पड़े. इवन एंजल्स, दो दे डोंट हैव अ फ्लैश, दे फाइट ओनली फॉर अस. और स्वर्ग दो जिनके पास शारीरिक शरीर नहीं है वो भी लड़ते हैं सिर्फ हमारी खातिर. Amen. Amen. They don't fight in heaven. वो स्वर्ग में नहीं लड़ते. They don't even fight to protect heaven. वो स्वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए भी नहीं लड़ते. They're fighting for us. वो हमारे लिए लड़ रहे हैं. Because we are on this earth in the flesh. क्योंकि हम इस धरती पे शरीर में रह रहे हैं. Amen. Amen. So, you know, these kind of videos people send, and you must be very discerning. अब इस तरह के videos जो लोग WhatsApp पे भेजते हैं आपको बहुत परखना है, सोचना है. See, there are always three voices. देखिए हमेशा तीन वाणी होती है, तीन आवाज. One is from the devil. एक शैतान से आती है. One is from God. एक परमेश्वर से आती है. And one is from your spirit. और एक आपकी खुद की आत्मा से आती है. But if your spirit is not sanctified. पर यदि आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है. Then you can even hear the devil. तब तो आप शैतान की भी सुन सकते हैं. Don't say I'm a believer. कभी ना कहिएगा मैं विश्वास हूँ. I don't hear the devil. और नहीं कहिएगा कि मैं विश्वास हूँ, मैं शैतान की नहीं सुनता. If you're sanctified means separated unto God, when you're reading and understanding the word of God, then you'll hear God clearly. जब आपकी आत्मा पूरी तरह से शुद्धिकरण में लाई गई है, अर्थात कि परमेश्वर के लिए आप अलग किए गए हैं, तब जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेगा. अब प्रेरित पत्रस के विषय में क्या? The words he spoke, जो शब्द उसने बोले, did it come from his spirit? तो क्या वो शब्द उसकी आत्मा से निकले? He heard from the devil. उसने वो बात शैतान से सुनी. Isn't it? ठीक है ना? The great apostle Peter. और महान प्रेरित पत्रस. Who is made a pope today by Roman Catholics? और रोमन कैथोलिक लोगों ने आज उसे पोप का दर्जा दे दिया है. वो पहला पोप कहलाता है. At one time he told Jesus. और एक बार तो उसने यीशु से कहा. Which was not from the word of God. और वो बातें जो वचन से नहीं थी. Anything that is not from God's word has to be checked.
और कोई बात जो परमेश्वर के वचन से नहीं है जरूरी उसे तपासा जाए. It was not in line with God's word. और जो वो कह रहा था वो बात वचन से मेल नहीं खा रही थी. Amen. Amen. अपना खुद का इमोशनली भाषा है वो. So don't trust emotions. तो भावनाओं पे भरोसा मत कीजिए. I always tell this. मैं हमेशा कहता हूँ. People are depressed because emotions are leading them. आप क्योंकि भावनाएं लोगों पे हावी हो जाती है इसलिए लोग निराश हो जाते हैं. If it doesn't have faith, यदि उसमें विश्वास नहीं, emotions cannot be trusted. तब भावनाओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता. Let emotions follow faith. विश्वास के पीछे भावनाएं चलें. Don't let emotions take the lead. कभी भावनाएं हमें ना चलाएं. Emotions के मुताबिक चला और तुमको हार्नेस नहीं किया वो तुमको शैतान किधर भी लेके जा सकते. यदि भावनाएं आपको चलाती है और आपको लगाम खींचना ना आता हो तो वही भावनाएं आपको बर्बाद कर देंगी. Like a horse. जैसे कि एक घोड़ा कितना भी ताकतवर हो हारने से उसको जरूरी है कि उसकी लगाम खींची जाए और लगाम से उसे दिशा दी जाए. लगाम छोड़ दिया हो किधर मांगता भागेगा किधर भी हो तो बेकाबू हो जाएगा. Some of the Christians' emotions run wild. और कुछ ऐसे हैं मसीहों के अपनी भावनाएं जो बेकाबू हो गई है. Amen. काबू में ही नहीं है. Peter was speaking with emotions. तो पतरस भावनाओं के सहारे बोल रहा था. Emotions could be good. भावनाएं अच्छी हो सकती हैं. But use faith. पर विश्वास का इस्तेमाल कीजिए. To check your emotions. ताकि आप भावनाओं को जान सकें. Amen. Amen. Those who don't know the word. वे लोग जो वचन नहीं जानते. Their emotions could be good. उनकी भावनाएं अच्छी होंगी. But it'll never bless you. पर वो भावना कभी आपको आशीर्वादित नहीं करेगी. Jesus said, I'm going to die. यीशु कह रहा था कि मैं मरने पर rise again. और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा. Peter said, नहीं. पर पतरस ने कहा नहीं नहीं प्रभु तू नहीं मरेगा. नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता तू मरेगा. नहीं नहीं see, it was good. तो उसकी भावना अच्छी थी. उसने कुछ बुरा बोला नहीं. हम लोग जैसे लोग बोलते कितना पीटर प्रेम करता प्रभु यीशु से. क्या प्रेम करता देखो वो बोलता मत मर. कितना उसको लव है. Isn't it? हमारा लोकल पीपल क्या बोलते थे कितना प्यार का बात कर रहा कितना काळजी है उसको see, है? कितना फिकर है उसको जीसस के लिए. वो बोला कि नहीं मरने का जीसस. नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो ऐसा मत बोलो और अपशब्द मत बोलो मरने का. बट वॉज जीसस कैरिड अवे बाय इमोशंस. पर क्या यीशु उसकी अच्छी बोली में बह के निकल गया. हम लोग रहते थे जान दे उसने ऐसे इतना अच्छा बोला ना. नहीं नहीं पीटर क्या है मालूम क्या है तो बोला अच्छा है मगर क्या है. नो तो यीशु ने सफाई नहीं दी. नहीं हर्ट हो जाएगा वो हा? वो हर्ट हो जाएगा. इतना अच्छा बात किया उसको हर्ट कैसा करेंगे ना हम लोग. But what did Jesus say? पर यीशु ने क्या कहा? उसने कहा शैतान get behind me. दूर हो जा मुझसे. This word was from the devil. ये बात जो पतरस बोल रहा था वो शैतान से थी. बहुत बार अच्छा शब्द प्रभु से बुरा शब्द डेविल से ऐसा नहीं है. कभी कभी अच्छा शब्द डेविल से भी आ सकता है. That's why you need to have the right knowledge of God's word. यही कारण है परमेश्वर के वचन की सही जानकारी आपको होनी चाहिए. Amen. Amen. The word of God will move you by faith. परमेश्वर का वचन विश्वास से आपको चलाएगा. जो बाकी जो शब्द है वो इमोशन से मूव करेगा तुमको. और एक बार इमोशन में चलने लगा इफ यू डोंट हैव फेथ यू विल बी कैरिड अवे. और यदि आप भावनाओं के सहारे चलते हैं विश्वास नहीं तो वही भावनाएं आपको बहुत दूर ले जाएगी. फेथ कैन हार्नेस योर इमोशन. और विश्वास आपकी भावनाओं पे लगाम लगा सकता है. यू नो आई पोस्टेड ऑन द फेसबुक. मैंने फेसबुक पे एक संदेश डाला. इट्स नेचुरल टू क्राई व्हेन समवन डाइज. जब कोई मर जाता है तो ये आम बात है कि हमें रोना आता है. बट पूरा इमोशंस में ड्राइव हुए मत हो जाओ. पर पूरी तरह से ऐसे रो धो मत भावनाओं के सारे की आशा ही नहीं है जैसे. And continuously रोने का सदा एक साल हो गया दो साल हो गया फिर भी रोने को आ रहा है. नहीं 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 that is walking by emotions. ये तो भावनाओं की चाल चलना है. देखिए सावधान रहिए. Amen. Amen. So God has willed that every one of his children reign and rule. तो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके हर एक बच्चे ने राज और प्रभुता करनी चाहिए. And that is the meaning of him reserving crowns for you. और यही मतलब है कि उसने आपके लिए मुकुट रखा है. But many may not choose to receive that crown. पर कई लोग खुद चुनाव नहीं करते कि उस मुकुट को पा सके. Whatever God has called you, जिस किसी के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है करने के लिए, whether it is big or small, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, do it heartily. तो मन से वो काम कीजिए. Whether that work is seen or unseen, चाहे फिर वो लोग काम देखें या ना देखें. Amen. Amen. See, you don't all have to be Oral Roberts
or Billy Graham. देखिए हम सभी को ओरल रॉबर्ट्स या बिली ग्राम बनना नहीं है. If he has called you just to be an usher, यदि प्रभु ने आपको स्वयं सेवक के लिए बुलाया है, and you know it in your heart, और मन से आपको पता है, and you decide to become a pastor, और फिर आप सोचते नहीं नहीं मैं तो पास्टर बनूंगा, you are not going to get any rewards. तब इस काम के लिए आपको किसी तरह का इनाम नहीं मिलेगा. Amen. Amen. Even if you see the fruit, यदि आपको फल नजर भी आए, God cannot reward you. तब भी परमेश्वर उस काम के लिए आपको इनाम नहीं दे सकता. And I'm going to speak about depression. मैं निराशा के विषय में बोलने वाला हूँ. On Tuesday. मंगलवार को बताऊँगा. Because yesterday one pastor came. क्योंकि कल एक पास्टर आए थे. Very depressed. बहुत ही निराश थे. A big church. बहुत बड़ी कलीसिया चलाते हैं. But he told Kenneth. पर उसने केनिथ से कहा to meet pastor. कि मैं पास्टर पॉल से मिलना चाहता हूँ. On Saturdays I don't meet anyone. मैंने कहा देखो मैं शनिवार को किसी से नहीं मिलता. I have a gospel meeting. मेरी शुभ वर्तमान की सभा होती है. But he said no, Holy Spirit told me to meet. He showed me your face. I have to come. पर वो पास्टर ने कह दिया नहीं पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आपसे मिलूं उसने मुझे आपका चेहरा भी दिखाया इसलिए मुझे आपसे मिलना है योर डोनेशन एंड लव ऑफरिंग ऑल दिस और मैं आपके चर्च को दान देना चाहता हूं रकम देना चाहता हूं आई हर्ड अबाउट डोनेशन आई सेड नो और जिस क्षण मैंने दान या रकम के बारे में सुना तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आई डोंट वांट माय डिजायर्स टू बी कैरिड अवे सेइंग डोनेशन आ जाओ आई सेड नहीं ऐसा नहीं कि लोग कहेंगे मैं बड़ी रकम दे रहा हूं तो मैं कहूंगा आ जाओ डिजायर्स ऑफ द फ्लैश You can control and you must. देखिए जो शरीर की अभिलाषा है इच्छा है उन पर आप दावा जमा सकते हैं और आपको जमाना भी है. Amen. Amen. That is the message I'm going to teach you. और यही संदेश मैं आपको सिखाऊंगा कैसे शरीर की इच्छाओं पे कब्जा रखना है. That is you are responsible. ताकि आप इन बातों के लिए खुद जिम्मेदार हैं. Amen. Amen. Because someone says, Pastor, how you know you don't know one person is inviting me for many years. आप नहीं जानते कि एक व्यक्ति जो बहुत सालों से मुझे बुला रहा है. He was giving me, I heard, minimum 5 lakhs. और वो मुझे कम से कम 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था. And he did many things in the house. उसने घर में बहुत सामान रखा है. He's very rich person. बहुत ही अमीर इंसान है. Put a photo and this and that. और मेरे अपने घर पे उसने मेरी फोटो वगैरह लगा रखी है. Only I want pastor to come to dedicate. और वो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पास्टर मेरे घर में आकर घर का समर्पण करें. Because he wanted to try to influence me with money ab kyunki wo paise ke sahare mujhe prabhavit karne ki koshish kar raha tha till today I'm not gone isliye aaj tak main uske ghar nahi gaya hoon that is the way you discipline your flesh aur is tarah se aap apne sharir ko shishtachar milate hain amen amen so you let don't allow your desires to carry you kabhi aisa na ho ki aapki ichha aapko chalaye you must master it aapko us pe taaba rakhna hai this is the work we have to do Till the last breath of our life. और ये ऐसा काम है जो हमारे जीवन की अंतिम सांस तक हमें करते रहना है. That's a powerful message which I'll give you, which Holy Spirit gave me. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश है जो मैं आपको दूंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया. What are the angels' duties? कि स्वर्गदूतों का कर्तव्य क्या है? And what is your duty? और आपका काम क्या है? That you must know. ये बात आपको पता होनी चाहिए. And that's the most important message which Holy Spirit gave me. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया. Angels will not interfere. स्वर्गदूत दखल नहीं देंगे Where you have to do it. जहां आपको काम करना है Amen. जो काम आपको करना है उसे करने के लिए स्वर्गदूत दखल नहीं देंगे And their work, और उनका जो काम they will do it faithfully and sincerely. वो अपना काम बहुत ही विश्वास योग्यता और ईमानदारी से करते हैं Remember that. ये बात याद रखिए We fail because of ourselves. हम अपने ही कारण गलतियां करते हैं और फिर हारते हैं Not because of God. परमेश्वर के कारण हमारी हार नहीं होती. His angels are directed properly. और जो प्रभु के स्वर्गदूत हैं, प्रभु सही रीति से उनका मार्गदर्शन करता है. Properly. और प्रभु सही रीति से उन्हें सूचित करता है. And they'll do anything when they get the instruction from a father. और जहाँ परमेश्वर के द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है, वो हर एक काम ईमानदारी से करते हैं. They take it as first priority. वो प्राथमिकता उसे देते हैं. Amen. Amen. For them. There is no inferiority or superiority. और उनके लिए कोई बात श्रेष्ठ या कोई बात तुच्छ नहीं है. एक-एक एंजल्स का मिनिस्ट्री बहुत बड़ा है, एक-एक का छोटा है. उनको they don't bother us. अब कोई स्वर्गदूत है जो ऊंचे पद पे है, दूसरा स्वर्गदूत छोटे पद पे है, ये बात उनके लिए मायने नहीं रखती. अर्थ में that's why they are shocked when they see believers on this. नहीं मेरे को ये पोस्ट नहीं मिला, मैं बहुत नाराज है. मैं वो नहीं मिला, मेरे को ना ऊपर का ही मांगता. See these are the Desires of the flesh, we need to discipline. देखिए ये ऐसी इच्छा है शरीर की जिन पर हमें ताबा जमाना है अनुशासित करना है शरीर को These are not the desires of the spirit. ये आत्मा की इच्छा नहीं है Even of your spirit. यहाँ तक कि आपकी आत्मा की भी इच्छा नहीं है Your spirit is not desiring all आपकी आत्मा की इच्छा नहीं है सारी बातों के लिए ये शरीर है Which by your spirit you must discipline. और इसी शरीर पर आपकी आत्मा को हावी होना है
Amen. Amen. That's what Jesus told the disciples. और यही बात यीशु ने अपने शिष्यों से कही. Your spirit is willing. तुम्हारी आत्मा तैयार है. Your flesh is weak. पर तुम्हारा शरीर कमजोर है. Discipline your flesh. तो अपने शरीर पर ताबा जमाइए. Who is going to do that? अब कौन आपके लिए काम करेगा? Not God. परमेश्वर नहीं करेगा. We have to do it. हमें ये काम खुद के लिए खुद करना है. Amen. Amen. Every born again Christian must do it. और हर एक नया जन्म पाए क्रिस्ती को ये काम खुद करना है. There is no prayer for it. और इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं चलती. नहीं नहीं नहीं. It's time pass है ये. प्रार्थना करो. शांति आने मकता मेरे. आप प्रभु भरपूर शांति दे. These are all waste of time. It doesn't work at all. ये सारी बातें समय की बर्बादी है. इससे कोई फायदा नहीं मिलता. Amen. Amen. You are not disciplined your desires. अपनी इच्छाओं पे आपने नियंत्रण नहीं रखा है. मेरे को ना लस्ट का अटैक है. मेरे को ना सिगरेट स्मोक का अटैक है. मेरे को ना बीड़ी पीने का आदत है. तंबाकू खाने प्रार्थना करो प्रभु निकाल दो प्रभु. ऐसा नहीं होता है. That's your personal discipline. और ये निजी अनुशासन है. Fight the good fight of faith means fight the personal good fight of faith. अब विश्वास की भली लड़ाई लड़ो. इसका मतलब है कि विश्वास की निजी भली लड़ाई लड़ो. खुद के लिए लड़ो. You have to do it. आपको खुद ये काम करना है. Okay. If suppose you're not fighting it. अब मान लीजिए कि आप नहीं लड़ रहे. You know, some people put blame on anything. अब कुछ लोग किसी पे भी दोष लगा लेते हैं. मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ? बहुत depressed था ना. उनको excuse मिला ना, it justifies. तो जब why I'm smoking. जब उन्हें बहाना मिल जाता है, तो यही बहाना उनके लिए सफाई का कारण हो जाता है कि देखो इसलिए मैं पी रहा हूँ. तो habit strong हो जाता है. तो जो वो आदत है, वो मजबूत और पक्की हो जाती है. When you have an excuse, no? और जहाँ आपके पास कोई काम को लेके बहाना आ जाता है, तो उसके लिए इलाज ही नहीं. You know, मैं ऐसा क्यों गुस्से वाला हूँ? मेरा माँ ही गुस्से वाला थी. अच्छा, इसका मतलब बराबर है. तो तुम कभी गुस्सा नहीं जाएगा तुम्हारा. And you are very happy. मेरा गलती नहीं है. मेरा माँ बहुत गुस्सा वाले थे ना, मैं उससे पैदा हो गया ना. ऐसा होता है फिर. बस, no one can help you in the world. तब तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. मैं ऐसा ही हूँ. ठीक है, ऐसा ही रहेगा तू लाइफ लॉन्ग. नो वन कैन हेल्प यू. तब तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. बिकॉज योर माइंड हैज डिसाइडेड एंड सेटल्ड. क्योंकि आपका मन ये बात सोच चुका है और आपने ये मान लिया है. Amen. Amen. Okay, if you come for prayer. ठीक है, यदि आप प्रार्थना के लिए आते हैं. Why I should pray? मैं क्यों प्रार्थना करूं? Maybe because you didn't discipline. अब क्योंकि इसलिए आपने अनुशासन लागू नहीं किया. It's become a spiritual bondage. अब क्योंकि आपने उन बातों पे नियंत्रण नहीं रखा, means इसलिए it has gone beyond the natural in the spiritual dimension. अब क्योंकि आपने उन बातों पे नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए उन बातों का मजबूत बंधन आपके जीवन में हो गया है और अब ये बंधन सांसारिक नहीं पर आत्मिक हो गया है. After that, और उसके बाद, when it has entered the spiritual dimension, और जब वो आत्मिक आयाम में जा चुका है, you didn't do anything, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, it become demonic bondage. तो वो आप शैतानी बंधन बन चुका है. Now I have to pray. अब मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी. I break this demonic bondage. तो मैं इस शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ. In Jesus name, यीशु के नाम में, be free. आजादी पा. You're free. तो आप आजाद हो जाते हैं. But your personal responsibility is still there. फिर भी आपकी निजी जिम्मेदारी बनी रहती है. You have to fight it out. आपको लड़ना है. Amen. Amen. मैं आप पास्टर ने प्रार्थना किया, अभी कभी नहीं आएगा. So, the first basic calling I told you is to act by love. इसे मैंने कहा कि प्रथम बुलावट जो आम बुलावट है कि आप प्रीति से बर्ताव करें. You don't have this, और यदि ये भी नहीं है, then God will not show you your calling. तब तो परमेश्वर आपके जीवन की बुलाहट आपको नहीं बताएगा. तुमको प्रेम नहीं प्रभु से, लोगों से प्रेम नहीं है. प्रभु तुम्हारी इच्छा क्या है? प्रभु बोलेगा जो इच्छा स्टार्टिंग में दिया ना, वो पहला स्टार्ट करो, काम करने का शुरू करो, मैं दिखाता हूँ. और सी इन द बाइबल इट्स ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन. तो देखिए वचन में हमेशा आप उन्नति करने वाला प्रकटीकरण पाएंगे. God will not show you the bigger things unless you started to be faithful in the smaller things. जब तक कि आप छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते, तब तक प्रभु आपको बड़ी बातें नहीं दिखाएगा. The Bible says, you be faithful, don't forget your small things, your little things. और वचन में लिखा है कि अपनी छोटी बातें, अपनी मामूली बातों पे पहले सावधानी बरतो, उसके लिए विश्वास योग्य रहो. Then God will promote you. और उसके बाद परमेश्वर आपको उन्नति देगा. Seeing your faithfulness in small things, God will give you big things. जहां प्रभु छोटी बातों को लेकर आपकी विश्वास योग्यता देखेगा, तो बड़ी बातों का ताबा आपको देगा. How can God trust you in big things when you are not faithful and committed in small things? कैसे परमेश्वर बड़ी बातों को लेकर आप पर भरोसा करे, जहां की छोटी बातों को लेकर आप ईमानदार नहीं? Amen. Amen.
You know, many want many things from God. कई लोग प्रभु से बहुत कुछ पाना चाहते हैं. ऐसा मतलब पर उनका हार्ट तो नहीं है. You know, the heart is always, you know, there is the selfish desires connected to it. आप जानते कि हृदय की जहां बात आती है तो हृदय से हमेशा स्वार्थी इच्छाएं जुड़ी रहती है. बहुत बार मालूम नहीं पड़ता हो. पास्टर प्रार्थना करो भला प्रभु साथे काम करे. तो इतना जल्दी मैं प्रेयर नहीं करता हूं क्योंकि प्रभु उसका हृदय देखता है. Isn't it? कितना फेथफुल था वो. छोटा चीज प्रभु ने उसको कुछ दिया रहेगा. तू आशर है, तू देखभाल करने का, प्रभु देखता है. ये नहीं कुछ करता है. एक साल होगा, दो साल होगा, तीन साल होगा, किसने कहा प्रभु पास्टर बनना चाहिए. बोलेगा पास्टर क्या, पहले तू आशर भी नहीं ठीक से बना. आई वॉज आशर. मैं एक स्वयं सेवक था. I used to stand at the door. मैं दरवाजे पे ठहरा था. Welcome people, come. लोगों का स्वागत करता कि अंदर आइए. Faithfully I did. और ईमानदारी से अपना काम करता. I became a cell leader. और बाद में मैं सेल लीडर बना. See, I was a cell leader. तो मैं सेल लीडर भी था. I used to go to homes to connect meetings. मैं घर घर जाया करता था ताकि लोगों को प्रचार करूं. I don't have desire to stand here. और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस मंच पे. You know, when I was going through problems. क्योंकि जब मैं तकलीफों से जा रहा था. Persecutions. बहुत छलों से जा रहा था. Many cannot bear persecutions. कई लोग छलों को सहन नहीं कर पाते. So this pastor wrote to Kenneth. और ये कारण इस पास्टर ने केनेथ को लिखा. I want to come home. कि मैं घर आना चाहता हूँ. Because I want to get some counseling done. क्योंकि मैं पास्टर से थोड़ी सलाह लेना चाहता हूँ. Okay, I was not agreeing. दरअसल मैं तैयार नहीं था. But since I saw he was under much depression. पर मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा मायूस है. Come. तो मैंने कहा आइए. I said, but you come at 5:30. पर मैंने कहा शाम को 5:30 बजे आना. So I don't give much time. ताकि मैं उससे ज़्यादा बातें ना करूँ. Because I have to go to church. क्योंकि मुझे कलीसे भी जाना था. So he was saying, pastor, when I was coming, the devil was attacking us. My wife was feeling giddy and she was beginning to vomit and all those things. और तब वो कहने लगा पास्टर के जब मैं आपके घर मिलने आ रहा था तो शैतान ने मेरी पत्नी पे हमला किया कि मेरी पत्नी को चक्कर आने लगे, वो उल्टी करने लगी. I counseled with him. मैंने उन्हें सलाह दी. Very depressed. बहुत ही निराश थे. For some personal reasons. और उनके बीच कुछ निजी कारण था. I said, stand on the wood. मैंने कहा वचन पे ठहरे रहिए. Don't stand on prophecy. भविष्यवाणियों पे मत ठहरिए. Don't keep on giving prophecies. और लोगों को यूं ही भविष्यवाणी देते मत चाहिए. Build your life on the wood. अपने जीवन को वचन पर बांधिए. After I prayed. और मेरी प्रार्थना करने के बाद. Even demonic influences were there. और उनके अंदर बहुत सारे शैतानी प्रभाव थे. You know, one thing I've seen, those who are only looking for prophecies and building their life and ministry on prophecies are the most immature. मैंने देखा है एक बात कि जो लोग भविष्यवाणियों पे रुके रहते हैं और अपने जीवन को या सेविकाई को भविष्यवाणियों पे बांधते हैं वो बहुत ही बचकाने लोग होते हैं. But those who build their life on the word. पर ऐसे लोग जो वचन पे अपने जीवन को बांधते हैं are strong. वो बलशाली और समझदार होते हैं. Amen. Build your life on the word. वचन पे अपने जीवन को बांधिए. So every calling is spiced with the basic calling that is love. इसलिए हर एक बुलावट की जो बुलाना है वो बुनियादी बुलावट से जुड़ा होता है और वो बुनियादी बुलावट प्रीति है. Amen. Amen. हर एक सेवा में प्रभु का प्रेम होना आवश्यक है. Amen. वही बेसिक कॉलिंग है. Amen. अगर वो बेसिक कॉलिंग में तुम फेलियर है, तुम कौन सा भी मिनिस्ट्री चलाएगा उसमें प्रेम नहीं रहेगा. हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? Every ministry must be spiced with a basic call that is love. और हर एक जो आपकी बुलाहट है उस पे प्रीति के मसाले का छिड़काव होना चाहिए. Have you loved God? क्या परमेश्वर से प्रीति करते हैं? Have you loved people? क्या लोगों से आप प्रीति करते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? You didn't do it. आप ऐसा नहीं करते. So many have lived without God's doing God's call at all. और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत सालों से बगैर परमेश्वर के बुलाहट को जाने जी रहे हैं. So don't think, Lord, come, मत बोलो. बोला रुको Lord. And anyway, he's not coming now. तो कभी ना बोलिए कि प्रभु आ, वैसे भी वो नहीं आ रहा है अभी. नहीं आ रहा है अभी. क्यों नहीं आ रहा है? Because still that church has to be lifted up. क्योंकि अब तक कलीसिया का ऊंचे उठाए जाना बाकी है. The greater miracles of Jesus has to happen. और यीशु के जो भारी चमत्कार होने वाले हैं वो अब भी बाकी है. And this will happen from, I'm not saying from this year, from this year. और मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल में होंगे, पर इस साल से उनकी शुरुआत होगी. Amen. Amen.
Those who have finished the work, God is calling them home. और जिन्होंने कार्य समाप्त कर लिया, प्रभु ने उन्हें ऊपर घर बुला लिया है. He's beginning a new chapter. प्रभु एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है. And while others were here, और दूसरे जो यहाँ बाकी हैं, God has called you for this generation. परमेश्वर ने इसी पीढ़ी के लिए आपको बुलाया है. We are responsible for this generation. इस पीढ़ी को लेके हम जिम्मेदार हैं. We are not responsible for the past. हम गुजरे कल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. तुमको जो टाइम दिया, उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में. Amen. Amen. You know, I call you on Fridays for prayer. मैं शुक्रवार को प्रार्थना के लिए आपको बुलाता हूँ. Why I do that? क्यों मैं ऐसा करता हूँ? You're responsible for the city. क्योंकि शहर के लिए आप जिम्मेदार हैं. You are living in the city. आप इस शहर में रह रहे हैं. What are you doing? आप क्या कर रहे हैं इस शहर के लिए? Are you praying? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? Only you can do what others cannot do. केवल वो आप कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते. God is not looking at those people. परमेश्वर उन लोगों की ओर आंखें लगाए नहीं है. For the blessing of the city. ताकि शहर को आशीर्वाद मिले. He is looking at his church. प्रभु अपनी कलीसिया को देख रहा है. Amen. Amen. Anything that happens in the city. जो कोई घटना इस शहर में होती है. God will not hold them. परमेश्वर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा. He will hold you. प्रभु आपको जिम्मेदार ठहराएगा. हाँ. तुम क्या कर रहा? तुम बोलेंगे प्रभु उसने ना ऐसा खून करा, उसने ना ऐसा किया, ढाका उधर अबॉर्शन हो गया, उधर रेप हो गया. बोलेंगे रुको, मैं उनको होल्ड नहीं करता, तुमको होल्ड करता हूं रिस्पॉन्स. तो प्रभु आपको पकड़ेगा. व्हाट वर यू डूइंग? कि तुम क्या कर रहे थे? दे हैव नो पावर. उनके पास शक्ति नहीं है. I gave you power. मैंने तुम्हें शक्ति दी थी. Amen. Amen. I give you new kingdom power. मैंने तुम्हें राज की शक्ति दी थी. You know, I told yesterday on Friday. मैंने शुक्रवार को God is politics. कि परमेश्वर राजनीति रखता है. Politics means राजनीति का मतलब गवर्नमेंट, कि उसकी सरकार है. That's why we see the government of this earth. और यही कारण है वही सरकार का नमूना हम धरती पर देखते हैं. Earth is the image of heaven. और जो धरती है वो स्वर्ग का नमूना है. As we are the image of God. जैसे हम परमेश्वर का रूप है. In the same way. इसी रीति से. Earth is the image of heaven. धरती स्वर्ग का रूप है. As they have a government. जैसे वहां सरकार है. Yes, set up a government on earth. वैसे ही परमेश्वर ने धरती पर सरकार रखी है. Amen. Amen. So God put you in heaven's government. इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग के सरकार में आपको रखा है. Because you have to rule the kingdom of darkness. क्योंकि अंधकार के राज्य पे आपको अधिकार चलाना है. वो एक राज्य है, उनका इधर भी गवर्नमेंट है, शैतान का एक गवर्नमेंट है. शैतान की भी सरकार है, उसका भी एक थ्रोन है, उसका भी सिंहासन है, उसके भी ऐसा डीमंस लोग है, उसको काम दिया गया है. तुम ये राज्य को संभालो, तुम उसको संभालो, तुम मैन ऑफ गॉड के पीछे लगो, तुम ये काम कर रहा हो उसके पीछे लगो, उसका गवर्नमेंट है. And earthly people cannot fight that government. और जो धरती के लोग हैं वो शैतान की सरकार से नहीं लड़ सकते. They can only fight the natural. वो केवल इस नैसर्गिक सरकारों से लड़ सकते हैं. But you cannot fight or come against the government of the devil. पर शैतान की जो अंधकार की सरकार है उससे धरती के लोग मुकाबला नहीं कर That's सकते. That's why God has put you in His kingdom. इसलिए परमेश्वर ने अपने राज्य में आपको रखा है. In His government. उसकी सरकार में आपको रखा है. And He gave you authority. और आपको अधिकार दिया है. Go in my name. कि मेरे नाम से जाओ. Amen. Amen. He gave you authority. उसने आपको अधिकार दिया है. You are authority people. आप अधिकारी लोग हैं. So we are responsible. तो हम जिम्मेदार हैं. You have power. आपके पास शक्ति है. हम लोग बोलते हैं ना मंत्री साहब तुम एक सिर्फ शब्द बोलो ना हो जाएगा काम. बोलते क्या नहीं? हेलो, तुम कोई ऐसा रास्ते पे भिखारी उसको बोलता क्या तुम एक शब्द बोलो सब ठीक हो जाएंगे? तुम बोलेगा नहीं उसको. तुम बोलेगा कॉर्पोरेटर लेवल कोई है क्या, कोई मंत्री है क्या? साहब आप सिर्फ एक शब्द बोलो ना हो जाएगा, आप में अधिकार है. इजंट इट? तुम अधिकार के लोग हो, तुम एक शब्द बोलो, एंजल्स लोग क्या कर दे देखो. Amen. 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 You are the people of authority. तो आप अधिकार वाले लोग हैं. But the devil has busied us so much. पर शैतान ने हमें इतना व्यस्त बना रखा है. In the natural. और नैसर्गिक बातों को लेकर. That we do nothing. कि हम कुछ भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते. हम लोग खुद का चल रहा है क्या, मैं कैसा सर्वाइव हो, दूसरे के लिए किधर प्रेयर करने हो टाइम में. क्योंकि तुम खुद की ओर ही देख रहा है, इसके लिए तुम बाहर भी नहीं निकल सकता दूसरे के लिए देखने के लिए. The problem is that. अब परेशानी ये है. Sin turned us ourselves to self. पाप ने हमारा हमारी नजरें खुद की ओर लगा दी है. मेरे को क्या मिलेगा इसमें, मैं वो काम किया तो मेरे को क्या फायदा है, उससे बात किया तो मेरे को पड़ेगा. See, सब thoughts self का है. तो सारी सोच और विचार खुद को लेकर होती है. प्रभु का नाम से मेरे को क्या मिलेगा इसमें. See, God knows everything. देखिए प्रभु सारी बातें जानता है. Hello, isn't it? हाँ ना, वो जानता है सब कुछ. That's why we have to discipline. और ये कारण अपने इच्छाओं पे हमें नियंत्रण लगाना है. हाँ, क्योंकि ये डिजायर जो फ्लैश का है ना, हर एक चीज खुद के लिए देखता है.
शरीर की इच्छा हमेशा खुद के लिए होती है। अगर मेरा खुद का उसमें फायदा नहीं ना, कोई नहीं करेगा। अगर तुमको मालूम तुम्हारा नुकसान है, तुम करेगा? मगर जीसस कैसे धन्यवाद दिया, धन्यवाद मेरा शरीर तोड़ा गया है, मैं धन्यवाद मैं मर रहा हूँ, धन्यवाद ये लोग थूकेंगे मेरे ऊपर, धन्यवाद मेरे को कीले ठोकेंगे, they'll whip me, they'll beat me, they'll spit on me, they'll offend me, धन्यवाद, I thank you Father। और उसने कहा कि लोग मुझे थूकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, नोचेंगे, कीले ठोकेंगे, फिर भी उसने धन्यवाद दिया ताकि इनको फायदा मिले। Said you are blessed, ताकि आप आशीर्वादित हो सके। Look at this, इस पे ध्यान दीजिए। He not only loved his neighbor as himself, he loved his neighbor more than himself। उसने अपने पड़ोसी से अपने बराबर ही प्रेम नहीं किया, पर अपने पड़ोसी से अपने से बढ़कर प्रेम किया। That's why he gave his life। और ये कारण है उसने अपनी जान दे दी। He didn't think about himself। उसने अपने बारे में नहीं सोचा। He didn't save himself। उसने खुद को नहीं बचाया। To save us, he gave himself। और हमें बचाने के लिए उसने खुद की जान दे दी। Amen। Amen। He denied himself। उसने खुद का इनकार किया। Denied all the pleasures of heaven। उसने स्वर्ग के भोग विलास का इनकार किया। Denied all angelic help। और सारे स्वर्गदूतों की मदद का इनकार किया। Denied heaven and came to earth। और स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। Lived as a man। इंसान के नाते जिया। Amen। Look at this। तो इस पे ध्यान दीजिए। Can't we do like him? तो क्या हम उसके जैसा नहीं कर सकते? If he could do, यदि वो कर सका, We are his followers। तो हम तो उसके पीछे चलने वाले चेले। थोड़ा तो भी कर सकते ना उसके लिए। हेवन में जाने का हम लोग को इतना बुरा लगेगा, क्या यार मैं सब मेरा शरीर के लिए क्या, आज शरीर किधर, नीचे है, क्या आदमी है मैं। Everything you did for the flesh and the flesh is down। आपने सारा काम शरीर के लिए किया और शरीर आप नीचे ही छोड़ा है। Isn't it? ठीक है ना? Does your spirit want money? तो क्या आपकी आत्मा को पैसा चाहिए? नहीं नहीं नहीं। Your spirit doesn't like all these things। आपकी आत्मा को ये बातें पसंद नहीं है। The angels don't like anything of this world। और स्वर्गदूतों को दुनिया की चीजें नहीं पसंद। They have seen heaven। उन्होंने स्वर्ग देखा है। Amen। Amen। Once you leave this earth, एक बार आप धरती को छोड़ देते हैं, you will not have these desires। तो ये धरती की चीजों की इच्छा आपके मन में नहीं होगी। तब आप कहेंगे, क्या आदमी, ये flesh के लिए इतना किया, what does it profit? A man, he gained the whole world for the flesh। उसके बाद वो इच्छा भी गया और चीज भी गया। तो कहेगा क्या लाभ उस मनुष्य को जो धरती और धरती की चीजों को पाने के लिए उसने सब कुछ किया और आगे चल के कुछ भी ना पाया। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे, अगर अर्थली आदमी बोला, अगर बात कर से बोलेगा, तेरे को कार मांगता बोलता है, अरे जा छोड़ कार बिरने, ये मांगता है दुनिया का, अरे कुछ नहीं मांगता, जाओ छोड़ो, अरे तुम तो इतना इच्छा किया था धरती का, वो इच्छा ही गया धरती पे, शरीर ही गया तो इच्छा ही क्या रह गया। Isn't it? I'm not saying throw away everything, पहाड़ पे जाके छोड़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि नौकरी धंधा काम पानी छोड़ो और तपस्या करो पहाड़ पर जाकर, नहीं। Give first priority। पर प्राथमिकता किसे देनी है ये जानिए। To God। परमेश्वर को दीजिए। And to His people। और उसके लोगों को प्राथमिकता। I'll just close। मैं समाप्त करूँगा। You know, we will get rewards in heaven। That's called the judgment seat of Christ in heaven। आप जानते हैं कि स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिलेंगे और उसे मसीह का न्याय आसन कहा जाता है। This is only for Christians। और ये न्याय आसन सिर्फ मसीहों के लिए है जहाँ मसीह ठहरेंगे। Here you'll be judged according the deeds of the flesh। और शरीर के अनुसार जो काम आपने किया उसके अनुसार आपको बदला दिया जाएगा। You'll not be judged because of sins। पाप के कारण वहाँ आपका न्याय ना होगा। Your sins are forgiven। आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। Here what it did with the deeds of the flesh means how you discipline your flesh and live for God। अब आपने शरीर के अनुसार क्या काम किया इसका मतलब है शरीर पे कितना नियंत्रण रखा और फिर प्रभु के लिए काम किया उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेंगे। Why I'm saying discipline your flesh? मैं क्यों कहता हूँ शरीर पर नियंत्रण रखिए? Because your flesh ना कभी भी इच्छा नहीं करेगा तुमको जो फायदा नहीं है वो करने को। फिर भी चर्च में आओ, दो घंटा मैं वेस्ट कर रहा हूँ ताकि ठीक है मैं एक घंटा आता हूँ, एक घंटा मेरा काम करके आओ। सी वो फ्लैश का इच्छा ना खुद के लिए बहुत है। That's why you have to discipline it। इसलिए आपको अनुशासन लागू करना है। चर्च के बदले थोड़ा बाहर जाके आओ ना, बाइबल पढ़ने का दूसरा कुछ करो ना। सी स्पिरिचुअल थिंग्स फ्लैश के लिए बिल्कुल पसंद नहीं, आत्मिक बातें शरीर को अच्छी नहीं लगती। आज तुम चर्च को आए, you discipline your life। तो आपने अपने शरीर पर अनुशासन लागू किया, शरीर को ताड़ना मिलाया। Amen। Amen। Maybe some people could have used little desires of the flesh also। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में थोड़ी सी शरीर की इच्छा होगी। थोड़ा होता है, मतलब मैं नहीं गया तो पास्टर क्या बोलेगा, मैं गया ना तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैं नहीं गया ऐसा थोड़ा बहुत अपना सेल्फिश रीजन रहता है। सम पीपल से नहीं, मैं प्रभु के लिए आ रहा हूँ, मेरा इच्छा भी नहीं रहेगा तभी मैं जाऊँगा। योर डिसिप्लिन, एज यू डिसिप्लिन योर ग्रोइंग। और जैसे आप शरीर पर नियंत्रण जमाते जमाते जाएंगे वैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। हेलो,
Spiritually, you're growing from glory to glory as you discipline. और जैसे शरीर पे अनुशासन लागू करेंगे, वैसे ही आत्मा में आप गौरव से लेके गौरवशाली होते चले जाएंगे. Otherwise, you are just physically becoming old. नहीं तो सिर्फ शरीर में आप बूढ़े होते जाएंगे. मैं आज 80 बरस का हो गया. वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, Heaven sees your maturity. स्वर्ग आपकी प्रौढ़ता को देखता है. Spiritual maturity. आत्मिक प्रौढ़ता. A person who is just going old. एक व्यक्ति जो सिर्फ without becoming spiritually mature. शरीर तो उसका ढल रहा है, पर उसकी आत्मा बढ़ नहीं रही यदि. Is not receiving anything from heaven. तो वो स्वर्ग से किसी चीज की प्राप्ति नहीं कर रहा. He gains nothing from heaven. उसे स्वर्ग से कुछ नहीं मिलता, उसका शरीर ढल रहा है. ना वर्ल्ड कंसीडर नहीं पड़ रही. वर्ल्ड में कैसे देखता है? ये 90 साल का है. वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम 25 साल का भी प्रभु के लिए भी काम करके गया, वो इंपॉर्टेंट है. Amen. Amen. In the Bible, जवान लोग भी मर गए ना प्रभु के लिए. When you compare earthly person who doesn't know the Lord living for 80 years, what is the use? तुलना करते धरती के इंसान की कि वो 80 साल जिया पर उसने कभी प्रभु को जाना ही नहीं, तो क्या फायदा 80 साल जीने का?